तो गाइज यहाँ पे मेरा जो गेस्ट पोस्ट है वो अप्रूव भी हो चुका है, और ये जो गेस्ट पोस्ट है ये इंडेक्स भी हो चुका है गाइज। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में फिर से आप सब के लिए एक गेस्ट पोस्ट लेके आया हूँ जो कि इंस्टेंट अप्रूवल है और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और वेट भी करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है एसईओ स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर एसईओ की वीडियोज आपको मिलती रहेगी, वो भी डेली बेसिस पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गाइस मैंने कम्युनिटी सेंटर में एक पोल डाला था कि आपके जो ब्लॉग पोस्ट है वो कितने दिनों में इंडेक्स होता है। तो गाइस 33% लोगों ने ये चीज़ बोला है कि इंडेक्स ही नहीं होता है। तो गाइस वो 33% में से अगर एक इंसान भी अगर आप मुझे ब्लॉग पोस्ट अगर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो ताकि मैं चेक करूं कि वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे, अगर कोई भी अगर एक बंदा या एक यूज़र भी अगर आप मुझे शेयर कर दोगे ना, तो उस चीज़ का मैं सोल्यूशन निकाल के, मेरा कहने का मतलब ये है गाइज कि उस चीज़ के ऊपर जो है प्रॉपर एक सोल्यूशन निकाल के आप सबको शेयर करूंगा, ताकि आप सबको जो है यूज़फुल हो और हेल्पफुल रहो और उस चीज़ का एक सोल्यूशन भी निकल जाएगा। तो गाइज होपफुली गाइज जितने भी लोग हैं जिसके भी ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है। सबसे पहले गाइज इस वेबसाइट का DAPA और स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग अगर चेक करते हैं, तो गाइज यहाँ पे जो है DAPA चेकर टूल मैं यूज़ करूँगा। तो गाइज इस वेबसाइट का DA आप देख पा रहे होंगे गाइज वो है 57 और PA 52 है, लेकिन स्पैम स्कोर 11% है। अब इसी वेबसाइट का जो DAPA जो स्पैम स्कोर है वो मोज टूल में चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे गाइज मोज में जो है ये 7% ही दिखा रहा है, जो कि अच्छा वेबसाइट है जो कि आप बना सकते हो गेस्ट पोस्टिंग। और इस वेबसाइट की अगर डोमेन रेटिंग की अगर बात करूँ वो है 61। अब इस वेबसाइट में बैकलिंक बनाने के लिए सबसे पहले गाइस आपको सबसे टॉप पे रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे यहाँ पे सिंपली आपका यूजर नेम, फुल नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, सारी डिटेल्स अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा जो कि आपका जो मेल है वो वेरीफाई होगा। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेल मेरे पास आ चुका, मैंने वेरीफाई वाला जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरा मेल जो है वो वेरीफाई भी हो चुका। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली साइन इन भी हो चुका है। अब उसके बाद गेस्ट पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे टॉप में जो है सबमिट गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पे आपको टाइटल, कैटेगरी, कंटेंट, इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब जो है किसी भी कीवर्ड पर हाइपर लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कीवर्ड को आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर हाइपर लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब मैं ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मैंने लिंकिंग कर दिया। अब लिंकिंग करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे इमेज का भी ऑप्शन है और इसके अलावा कैटेगरी। अब मैं कैटेगरी पर जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑलमोस्ट सारी नीच का कैटेगरी होगा, शॉपिंग का हो गया, एसईओ हो गया, डिज़ाइनिंग का हो गया, ग्राफिक का हो गया, क्लॉथिंग का हो गया। तो गाइस ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी यहाँ पे जो कवर्ड है, आप जितने भी लोग हैं, कोई भी नीच का वेबसाइट क्यों ना हो, वो लोग यहाँ पे गेस्ट पोस्ट ईजिली आप कर सकते हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे मेरा जो गेस्ट पोस्ट है वो इंस्टेंट अप्रूवल है, मुझे वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये लोड भी हो गया और अप्रूव भी हो गया। अब इसी लिंक को जो है अब मैं न्यू टैब में और इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो है, डू फॉलो है। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये 100% नो फॉलो बैकलिंक्स है, लेकिन गाइस ये फ्री में इंस्टेंट अप्रूवल गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स है जो कि मेरे हिसाब से हर किसी को बनाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट भी मेरा ओपन हो रहा है। इसके अलावा गाइस एक और काम मैं कर देता हूँ, मैं क्या करूँगा कि इस लाइव यूआरएल को जो है न्यू टैब में भी ओपन करके दिखा दूंगा कि ओपन हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओपन तो हो रहा है, मीन्स मेरा जो गेस्ट पोस्ट है वो अप्रूव भी हो गया और ये आप देख सकते हो लिंक भी यहाँ पे आ चुका है। होपफुली गाइस आज के वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।